अल्लाम आज का ब्लॉग करते हैं सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने वीडियो को लाइक किया उस वीडियो को भी लाइक कर दें। टाइम होना जी 11:15 होने हैं और अभी सबसे पहले मैं करने लगा हूँ नाश्ता। और नाश्ता थोड़ा लेट हो गया है। नाश्ते में आज हमारे पास है प्याज है और साथ में अंडा मिक्स हुआ हुआ है और सादा रोटी है, चाय। आज पराठा मैं नहीं खाऊंगा, आज सादा रोटी खाऊंगा। सादा रोटी मिली है तो आज सादा रोटी खा लेंगे। आज मैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। तो अभी टाइम 11:15 होने हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर जुम्मे की तैयारी करेंगे, फिर जुम्मा भी जाकर पढ़ेंगे। तो पहले नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार। जुम्मे की जी अजानें स्टार्ट हो गई हैं और मौसम कभी धूप निकल रही है और कभी बारिश वाला बन रहा है, बादल कभी आ रहे हैं कभी धूप, इसी तरह का चल रहा है। कल हल्की हल्की बारिश हुई थी, कल भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई। देखें जी अभी वो सूरज है, अभी फिर बादलों में चला जाएगा और फिर से ये मौसम बना हुआ है। तो गर्मी खैर लग रही है बहुत ज़्यादा, बारिश मैं तो कहता हूँ खुल के हो, कल भी नहीं थी, कल दिन बारिश नहीं थी हुई। और इस वक्त फ्लावर भाई निकले हुए हैं और माशाल्लाह से इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ना, ये पता नहीं क्या रीज़न है, धूप जब भी निकलेगी तब ही इन्होंने निकलना। अभी धूप निकली हुई है, आपको दिखाते हैं कितने कितने माशाल्लाह प्यारे खूबसूरत फूल लग रहे हैं ये वाले, ये देखें। अब देखें कितने कितने माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। और जब शाम हो जाएगी या फिर रात होगी तो तब आप देखेंगे तो फूल होंगे ही नहीं। पता नहीं कौन सी ये जड़ी बूटी है, आप कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको पता है तो। टाइम हो रहा है सवाई घोड़े और मैंने नहा लिया और शाम भाई से भी मेरी बात हुई है, वो भी अभी रेडी हो रहे हैं। तो इतनी देर स्कंजी भी बन रही है, गर्मी नींबू पानी तो वो पीते हैं, उसके बाद फिर जुम्मे के लिए चलते हैं। पानी में जी नींबू और नमक चीनी वगैरह सारा कुछ डाल दिया, ये देखें अभी बस ये ठंडा पानी है, ये डाल देते हैं, उसके बाद नींबू पानी हमारा रेडी हो जाएगा। सारा कुछ गड़बड़ों ने मिक्स कर दिया है। नींबू पानी जी हमारा एकदम रेडी हो गया ज़बरदस्त। अभी इतनी गर्मी में इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार जी, और थोड़ी सी खट्टी बनी हुई है, नींबू उसने ज़्यादा डाल दिए हुए हैं। इस तरह के मौसम में नींबू पानी बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, घर वाले डेली बनाते हैं, पहले बीमार भी थे और नींबू पानी कहते हैं बेस्ट होता है बुखार वगैरह के लिए भी, तो इसलिए फिर नींबू पानी घर में बनाया हुआ था, डेली बनता है दोपहर को। तो आज भी मेरे फेवरेट है नींबू पानी, आपके फेवरेट है या नहीं है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खैर अभी हम नींबू पानी पीते हैं। अभी जी जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ, ऊपर यूज़र नहीं मारा होगा, तो चाहें जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें जल्दी से। क्या कर रहे हो भाई, ये वीडियो मुकम्मल करें, पहले वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, उसके बाद फिर जाएं और जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। ये देखिए जी कितने मज़े के साथ इधर लेटा हुआ, पानी में इनको लेटने का बहुत मज़ा आता है क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये देखो किधर, और एक इधर, इधर देखें जी, ये देखो भाग गए भाई साहब, ये इधर ही होते हैं, तीन हैं, दो ये हैं, दो इस तरह के हैं, दो इसके बच्चे हैं मेरे ख्याल से, तीसरा आई थिंक पता नहीं कहाँ पे है, वो भी इधर ही था अभी पता नहीं किधर गया हुआ है, और दो इधर हैं, तो इनका काम है बस इधर ही बैठे रहना। तो भाई का मैं वेट कर रहा था, नहा रहे थे, अभी चलते हैं और जाकर जुम्मा पढ़ते हैं। अभी टाइम 1:30 हो रहा है मेरे ख्याल से, तो टाइम कम रह गया, चलते हैं फटाफट। और मैड भाई दुकान बंद कर रहा है अपनी, जुम्मे के लिए जा रहा है। और अभी देखें आप बारिश कितनी तेज़ हो गई है, मैंने अभी सोच ही रहा था कि बारिश हो और माशाल्लाह से भी आप देखें बारिश कितनी तेज़ हो गई हुई है, इस तरह की बारिश बहुत दिनों बाद हुई है आज। सामा भाई इधर बात कर रहे हैं, ये देखें आप बारिश कितनी तेज़ है माशाल्लाह से। अभी फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है मेरा, नहीं तो मैं आगे जाके भी ब्लॉग करता। बारिश में ही मैं जा रहा हूँ नान टिक्की लेने के लिए, तो घर वाले कह रहे हैं नान टिक्की लेके आओ, नान टिक्की लेके आते हैं और अभी बारिश।
देखें जी आप मज़ीद तेज़ हो रही है, हमसे सबर नहीं हुआ, बारिश में ही निकल पड़े हैं। फाइनली जी हम लोग आ गए अभी यहाँ से जी नानटिकी लेते हैं, नानटिकियों वाली शॉप पे हम लोग आ गए हैं। ठंडे ठंडे बारिश वाले मौसम में नानटिकी मज़ा ही आ जाएगा। अद वो ज़रा तीन नानटिकियाँ, इधर गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हो रहे हैं। नानटिकी जी हमने ले ली हैं और बारिश भी मज़ीद तेज़ हो गई है, अभी चलते हैं फटाफट से जी गढ़। ये जी हमारे रात के विनर हैं उसामा भाई, रात को हमने कभी पर कॉम्पिटिशन भी किया था वो आपने देखा होगा, और उसामा भाई ने मेरे ख्याल से 15 से 16 सेकंड में बोतल फिनिश कर दी थी कोका कोला की, हाफ लीटर की थी। तो उसामा भाई विनर थे, तो अभी उसामा भाई के साथ ही हम लोग गए हुए थे नानटिकियाँ लेने के लिए, जो कि हमने ले ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बारिश में ही ब्लॉगिंग आज होगी, इधर है ब्लॉग बंद करो भाई, ब्लॉग नहीं बंद होना। अभी जिस बहर के लंच में नहा और साथ में टिक्की है और चटनी है, तो अभी ये लंच करते हैं फटाफट से। बारिश मजीद तेज होगी, पहले बारिश काफी ज्यादा हल्की थी, और आप देखिए मेरे पीछे माशाल्लाह से कितनी तेज बारिश हो रही है, माशाल्लाह मजे वाला एंजॉय वाला मौसम हो गया हुआ है। और इधर ये देखिए आते हुए वाले एक जा रहे हैं, इस तरफ मेरे पीछे डॉगी भी एंजॉय कर रहे हैं जी मौसम को, माशाल्लाह जबरदस्त मौसम हो गया हुआ है। ये देखें एक इधर है, एक इधर है, और एक इधर गया है इनका जवान। वो है वो है, अभी मैं सोच रहा हूँ इनको केक ला के खिलाते हैं, तो चलते हैं और इनको केक ला के खिलाते हैं। लेट्स गो, बेकरी की तरफ चलते हैं के लिए ये केक मैं लेके आ गया हूँ। चलो आप ये भी खाओ, मेरे ख्याल से बाकियों ने नहीं खाए, सिर्फ ब्लैक वाली जो थी वो गोभी है इसने खाया, बाकियों ने नहीं खाए, उनको मेरे ख्याल से भूख नहीं थी। चलो ठीक है, हमने तो खिला दिया। टाइम हो रहा है अभी 4:15, और अभी मैं पीने लगा हूँ इधर जी एक कप चाय, अभी चाय पीते हैं। ठंडे ठंडे वेदर में बारिश अब रुक गई है, तो माशाल्लाह मौसम ज़बरदस्त हो गया हुआ है। अभी ये देखें जी चाय में से धुआं निकल रहा है। आप जी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं आपके लिए किस टॉपिक्स पे वीडियोस लाऊं, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी फूड्स एक्सप्लोर करूँ तो मुझे बताएँ कहाँ जाकर मैं फूड एक्सप्लोर करूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ कोई फेमस जगह जहाँ पर मैं फूड जाकर एक्सप्लोर करूँ, तो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ। तो आप जिस टॉपिक पे कहेंगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक पे उस रिलेटेड आपके लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, या फिर आपके लिए कॉम्पिटिशन्स की वीडियोज़ बनाऊँ। आपने जो भी आपको पसंद होगा मुझे आपने कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है, कॉम्पिटिशन या फिर जो भी। और रात के डिनर में आज हमारे पास है इधर भिंडी है, भिंडी का सालन है, और साथ में का सालन है, और साथ में तंदूर की रोटी है। तो अभी डिनर करते हैं क्योंकि भूख अभी लगी हुई है, उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग भी था पहले बनाया है। तंदूर की रोटी के साथ भिंडियों का सालन हो तो कितना मज़ा आता है। इसमें अभी जी इस वक्त मैं पार्क में मौजूद हूँ, और मेरे पीछे बच्चे हैं इधर, और डॉग एक लेके आए हैं, आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए आपका डॉग है, किसका है फिर? ये हमारा डॉग है। ये देखें जी डॉग कितना क्यूट है, और इसको ये संगली सी डाली हुई थी, और अब देखें अब उसको खुला छोड़ दिया हुआ है, और देखें उसके साथ खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। 2000 का जी डॉग कह रहे हैं, पता नहीं अब कितने क्या, इतना सस्ता तो नहीं वैसे होगा 2000 का डॉग। ये देखे जी उनकी दौड़ लगवा दी है। मैं भी जी दोस्त के साथ आया हुआ था पार्क में, मैं जीनू भाई के साथ आया हूँ दही लेने के लिए, तो यहाँ से दही लेते हैं। दही हमने ले लिया, 9 बज रहे हैं। इधर से रोटियां भी लेनी थी, अभी इधर हम रोटियां लेने के लिए रुके हुए हैं। दे दे एक दो देने लगे, ये दे दे रोटियां दे दो भाई हमें, हम पहले का कह के गए हुए थे असल में। रोटियां जी हमने ले ली अभी जी, मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा था, और माशाल्लाह से चांद का व्यू माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आई थिंक 14वीं का चांद है, देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, और कितना गोल है माशाल्लाह से। अभी फोकस करता हूँ मैं, ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी फ्लैश ऑफ करता हूँ, ये देखें माशाल्लाह, और चांद की रोशनी भी बहुत ज़्यादा है। गुड मॉर्निंग जी, टाइम हो रहा है 8:15 हो रहे हैं, और अभी अभी मैं अपना एक ब्लॉग बना के आया हूँ, वो तो खैर आपको अगले ब्लॉग में ही पता चलेगा मैंने क्या ब्लॉग बनाया, तो वो आपने मेरा अगला ब्लॉग ज़रूर से देखना है। वो देखें ऊपर जी एक लाइन में बैठे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें एक लाइन में कबूतर ही कबूतर बैठे हुए हैं, इस तरफ भी बैठे हुए हैं, और इनकी लाइटिंग का भी इंतज़ाम हुआ है, वो लाइट लगी हुई है, रात को लाइट ऑन कर देते हैं फिर इधर ज़्यादा रोशनी हो जाती है। वो देखें कबूतर माशाल्लाह,
खैर ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।